हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेक्निकल कीबोर्ड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में समझने वाले हैं। दोस्तों, किस तरीके से सपोर्ट लेवल को ड्रॉ करते हैं, किस जगह हमारा रेजिस्टेंस लेवल होता है, आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। दोस्तों, ट्रेडिंग के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो किस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को ड्रॉ करते हैं, आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट जानने वाले हैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। तो दोस्तों, कंप्लीट वीडियो को वॉच करना। चलिए बिना देरी किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से मेरे एक लाइव चार्ट यहाँ से ओपन कर लिया है। आप देखेंगे यूरो यूएसडी का चार्ट मैंने यहाँ से ओपन किया है, और आज हम यूरो यूएसडी चार्ट में लाइव मार्केट में समझने वाले हैं किस तरीके से हम सपोर्ट लेवल एंड रेजिस्टेंस लेवल को ड्रॉ करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप देखेंगे हमारा जो चार्ट यूरो यूएसडी का चार्ट है, इस चार्ट को हम सबसे पहले जूम इन कर लेंगे कुछ इस तरीके से। जूम इन करने से क्या होगा दोस्तों, यहाँ से जो मैक्सिमम पीछे का डेटा हमारे लिए देख पाएंगे, तो पीछे का डेटा देखकर ही हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो दोस्तों, जैसे अभी अगर हम यहां से देखेंगे मार्केट को कुछ इस तरीके से, आप देखेंगे दोस्तों यहां से मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम यहां पर सेट कर रखा है। आप चाहें तो 30 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, 1 डे का, या फिर 5 मिनट का चार्ट भी यहाँ से ओपन कर सकते हैं। आप जिस भी टाइम फ्रेम में यहाँ से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना चाहें, उस टाइम फ्रेम में आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए हम 15 मिनट के टाइम में समझते हैं किस तरीके से हमें यहाँ से सपोर्ट लाइन को ड्रॉ करना। तो दोस्तों, आप देखेंगे यहाँ से अभी मार्केट चल रहा है, अगर हम यहाँ से एक सपोर्ट लाइन को ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारे लिए देखना होगा पीछे। जैसे आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ से मैं एक हॉरिजेंटल लाइन को ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ से आप हॉरिजेंटल लाइन को लेंगे और यहाँ से कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से मैंने एक हॉरिजेंटल लाइन को ड्रॉ कर दिया है। आप देखेंगे गाइस, यहाँ से मार्केट ने कई बार, ये हॉरिजेंटल लाइन आपको दिख रही है, बार बार मार्केट ने यहाँ से टेस्ट किया। देखिए यहाँ से आपको नज़र आएगा दोस्तों, ये देखिए मार्केट ने, यहाँ पर मार्केट ने टेस्ट किया, इसके बाद यहाँ पर मार्केट ने टेस्ट किया। आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ भी मार्केट टेस्ट कर किया, इसके बाद फाइनली ऊपर के लेवल पर यहाँ पे मार्केट आ गया और फिर हमारी जो हॉरिजेंटल लाइन है उसको फिर पुनः से टेस्ट करने के लिए आया है। तो चलिए पीछे के लेवल पे और मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, अगर पीछे भी जाएंगे तो यहाँ पे पीछे भी मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है। आप देखेंगे हमारी हॉरिजेंटल लाइन को, ये देखिए, जबकि हमने पीछे के लेवल पर नहीं देखा था, लेकिन आप पीछे भी जाएंगे तो पीछे भी मार्केट ने बहुत अच्छे से हमारी हॉरिजेंटल लाइन को यहाँ से रिस्पेक्ट किया है। तो इस तरीके से दोस्तों, आपको मैक्सिमम टचेस जहाँ पे हैं उस जगह आपको हॉरिजेंटल लाइन को ड्रॉ करना। सॉरी गाइस, ये थोड़ा सा नीचे हो गया, इसको सेट कर लेते हैं इस तरीके से। अब आप आपका जो भी चार्ट है इसको आप जूम आउट कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, आप देखेंगे यहाँ से, ये देखिए मार्केट ने कितने अच्छे से रिस्पेक्ट किया है हमारी हॉरिजेंटल, सॉरी हमारी हॉरिजेंटल लाइन को। ये देखिए दोस्तों, मार्केट ने टेस्ट किया, फिर टेस्ट करने आया, फिर रिजेक्शन आया, फिर देखिए आप, फिर यहाँ से रिजेक्शन, फिर रिजेक्शन, इसके बाद तो देखेंगे दोस्तों यहाँ से इस तरीके से आप इसको और भी अच्छे से सेट कर लें कुछ इस तरीके से। तो देखिए दोस्तों, हमारी हॉरिजेंटल लाइन है वो अच्छे से यहाँ से सेट हो चुके से। तो दोस्तों, अब यहाँ से देखेंगे आप, ये देखिए दोस्तों, यहाँ से हमारी हॉरिजेंटल लाइन को रिस्पेक्ट किया मार्केट। देखिए दोस्तों, यहाँ से अभी ये यहाँ पे भी ट्राई किया, इसके बाद फाइनली अभी भी मार्केट हमारी जो हॉरिजेंटल लाइन है, देखिए दोस्तों यहाँ से एक रिजेक्शन आया और फाइनली मार्केट एक रिस्पेक्ट कर रहा है हमारी हॉरिजेंटल लाइन को। तो इस तरीके से दोस्तों, हमारे लिए एक हॉरिजेंटल लाइन को ड्रॉ करना होता है सपोर्ट लेवल ड्रॉ करने के लिए। तो इसके बाद दोस्तों, अगर हम यहाँ से देखें कि भाई इसका जो एक रेजिस्टेंस लेवल है, वो रेजिस्टेंस लेवल कहाँ से बन रहा, तो रेजिस्टेंस लेवल के लिए दोस्तों आपको यहाँ से मैक्सिमम शिंग यहाँ पे आपको दिख रहे हैं कुछ इस तरीके से देखना होता है। अगर दोस्तों आपको कैंडलस्टिक चार्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप यहाँ से दोस्तों, यहाँ से मैं हमारा जो चार्ट है कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, इसको मैं लाइन में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने लाइन में कन्वर्ट कर दिया है। आपको अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो आप कुछ इस तरीके से, ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से भी यहाँ से आप इसको सेट कर सकते हैं हॉरिजेंटल लाइन को। ये देखिए दोस्तों, हमारी हॉरिजेंटल लाइन सेट हो चुकी है। अब दूसरा, अगर आप यहाँ से सपोर्ट जून तो आपने देख लिया, अब यहाँ से रेजिस्टेंस जून आप देखना चाहते हैं कि इसका रेजिस्टेंस लेवल कौन सा बन रहा, तो आप दोबारा जाएंगे यहाँ से हॉरिजेंटल लाइन को, और हॉरिजेंटल लाइन को कुछ इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हमने पहला शुंग देखा है ये, एंड पीछे अगर देखते हैं तो ये देखिए दोस्तों, मार्केट ने यहाँ पे हमने पहला शुंग एंड दूसरा शुंग, दो शुंग देखकर यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन को ड्रॉ किया। और देखिए दोस्तों, यहाँ से बहुत अच्छे से मार्केट ने हमारी जो
लाइन है उसको यहाँ से रिस्पेक्ट किया। देखिए दोस्तों ये बहुत अच्छे से, अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा आप इसको कैंडल में देख लीजिए, जैसे आप ड्रॉ करेंगे तो कैंडल स्टिक चार्ट में ड्रॉ कर लीजिए आप। ये देखिए दोस्तों यहाँ से बहुत अच्छे से मार्केट ने हमारा जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको यहाँ से रिस्पेक्ट किया है। आप इसको थोड़ा सा जूम इन कर लें, ये देखिए दोस्तों हमने जूम इन कर लिया है चार्ट को, और हम जूम इन करने के माध्यम से अब देखते हैं। तो दोस्तों आप देखेंगे मैक्सिमम टचेस यहाँ से आपको दिख रहे हैं। देखिए यहाँ से मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट ने रिस्पेक्ट किया। अगर हम पीछे के लेवल पर अभी देखते हैं तो पीछे के लेवल पर भी, ये देखिए दोस्तों पीछे के लेवल पर भी मार्केट ने अच्छा यहाँ पर रिस्पेक्ट किया है। ये देखिए आप, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए। तो इस तरीके से आप यहाँ से पीछे का जो डेटा होता है उसके माध्यम से आप आपकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको टेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसके ऊपर का अगर हम रेजिस्टेंस लेवल देखना चाहें तो किस तरीके से देखेंगे, तो चलिए हम एक और हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करके दिखाते हैं आपको। यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन को उठा लेते हैं और यहां से दोस्तों कुछ इस तरीके से हमें एक और भी हॉरिजॉन्टल लाइन यहां से ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये देखिए दोस्तों हमने एक और भी यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर दिया है। आप देखेंगे दोस्तों इसको थोड़ा जूम कर लें आप, इससे आपको और भी क्लियर हो पाएगा, और इसको सेट भी कर सकते हैं दोस्तों आप। हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करने के बाद अच्छे से ये आप सेट कर सकते हैं, मैक्सिमम टचेस जहाँ पे है वहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल लाइन को रख सकते हैं। जैसे हम इस लेवल का रखना चाहें इस लाइन को, तो ये देखिए मैंने इस लेवल का इस लाइन को कर लिया है। अभी हम पीछे जाएँगे तो कुछ इस तरीके से देख पाएंगे आप। इसको सेट कर लें आप अच्छे से, तो ये देखो, तो ये देखिए दोस्तों यहाँ से मैंने जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको सेट कर लिया है। आप देखेंगे यहाँ पे टचेज हुआ, यहाँ पे टचेज हुआ, पीछे के लेवल पे अगर दिखाऊं दोस्तों आप, ये देखिए पीछे के लेवल पे यहाँ पे टचेज हुआ, यहाँ पे टचेज हुआ, जबकि हमने पीछे नहीं देखा था, लेकिन पीछे भी देखिए दोस्तों यहाँ पे मार्केट ने कितने अच्छे से हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन को यहाँ से रिस्पेक्ट किया है। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को माध्यम से आप यहां से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे किस तरीके से आपको हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को ड्रॉ करना होता है। तो चलिए दोस्तों ऊपर के लेवल पर भी मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि इस लेवल पर एक हमारा रेजिस्टेंस लेवल किस तरीके से बनता है। तो चलिए मैं इसको पुनः से जूम इन कर लेता हूँ जिससे आपको पीछे का डेटा नज़र आए। तो दोस्तों आप देखेंगे मैंने जूम इन कर लिया है और यहाँ से मैं हॉरिजॉन्टल लाइन को उठा ले रहा हूँ। तो यहाँ से मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन को उठा लिया और कुछ इस लेवल पे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करने वाला हूँ। तो आप देखेंगे दोस्तों यहाँ से मैंने पहला स्विंग लिया, दूसरा स्विंग लिया, तीसरा, आप देखेंगे ये ऑटोमेटिकली यहाँ से कनेक्ट हो चुका है। तो आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर भी बहुत अच्छे से मार्केट ने हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन को बार बार टेस्ट किया है। तो दोस्तों इस तरीके से आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे भी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन टचेस हुआ है। पीछे और भी आप जाएंगे, पीछे भी दोस्तों अगर आपको दिखा दूँ मैं, पीछे मर्जी आज जितना बैक टेस्ट आप इसका कर सकते हैं पीछे अगर डेटा होगा तो। ये देखिए दोस्तों कितना हम बैक आ चुके हैं, पीछे बैक अगर आप देखेंगे कितने अच्छे से यहाँ से मार्केट ने हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन को आप देखेंगे दोस्तों बार 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 टेस्ट किया है। तो इस तरीके से दोस्तों आप हॉरिजॉन्टल लाइन को अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। आप इसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करने के बाद दोस्तों चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट कर लें और इसके बाद फिर आप अच्छे से देख सकते हैं सपोर्ट एरिया का। दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो मार्केट बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करता है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे आगे अभी का जैसे लाइव अगर हम देखें तो यहाँ पे भी मार्केट ने देखिए कितने अच्छे से रिस्पेक्ट किया है और एक अप डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर दिया है। तो इस तरीके से दोस्तों मार्केट कहीं ना कहीं सपोर्ट जोन एंड रेजिस्टेंस जोन को कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो रिस्पेक्ट करता है कुछ इस तरीके से। इस तरीके से दोस्तों आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन को बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। दोस्तों आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको मैक्सिमम बार यहाँ से प्रैक्टिस करना होगा। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों उतने अच्छे से आप एक नज़र में देख पाएंगे कहाँ से इसका सपोर्ट लेवल और कहाँ पर इसका रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन को ड्रॉ करते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और यार चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।